हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में लाए कचरा पात्रों को वर्तमान वार्ड पंचों ने लगाई अपनी चिन्हित स्थानों पर। एक कचरा पात्र अपने निजी स्वार्थ को लेकर गांव से 2 किलोमीटर दूर बेरे के बाहर लगाया। उपखंड के बांकली गांव में पूर्व सरपंच निरंजन सिंह के कार्यकाल में 1,75,000 की लागत से 10 छोटे व 10 बड़े डब्बल कचरा पात्र लगाए। कचरा पात्रों को वर्तमान वार्ड पंचों ने लगाए विभिन्न मंदिर, मस्जिद, सोसाइटी, भवन इत्यादि स्थानों पर जगह चिन्हित कर लगवा दिए। जो एक तरह से अगर देखा जाए तो मंदिरों में जो कचरा पात्र लगाए हैं वो जिम्मेदारी मंदिर के पुजारी पर ही आकर अटकती है, क्योंकि मंदिर में लगा हुआ कचरा पात्र में आम जन घर का कचरा तो डालेंगे नहीं, लेकिन मंदिर का कचरा होगा। जागरूकता में इसका विरोध नहीं कर रहा बल्कि एक नसीहत दे रहा है कि शायद हो सकता है वार्ड पंच उनकी सफाई ना करे और ये कचरा पात्रों को खाली करना पुजारियों के लिए आफत बन जाए। और अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से मंदिरों में कचरा पात्र लगाए हैं उससे ये जाहिर होता है कि मंदिरों में लगाने थे दान पत्र लेकिन लगा दिए कचरा पत्र। अब उनका सही से उपयोग होता है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 7 नंबर वार्ड पंच झाला राम ने अपनी मनमर्जी पर निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कृषि कुएं पर ले जाकर कचरा पात्र लगवा दिए। इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वहां पर कौन जाएगा कचरा डालने, जब गांव में कई सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा गंदगी फैलाई जा रही, जिसको देखते हुए कचरा पात्र लगवाने थे, लेकिन इस प्रकार से गौचर में ले जाकर लगाना, इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत की राशि का दुरुपयोग होता नजर आ रहा है। वहीं एक और कचरा पात्र सोसाइटी के अंदर लगा दिया गया, तो क्या लोग सोसाइटी के अंदर जाकर कचरा डालेंगे? इन कचरा पात्रों को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड के बांकली गांव में लगाए कचरा पात्र को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जो कचरा पात्र लगाए हैं वो गांव की गंदगी मिटाने के लिए नहीं बल्कि वार्ड पंच का निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कचरा पात्रों को वार्ड पंचों ने अपनी मनमर्जी से लगा दिया। जागरूक टीवी इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन गांव में कई ऐसे सार्वजनिक जगह थी जहां पर गांव की गलियों के चौराहे, जहां पर लोग कचरा डालते हों, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, आकरिया चौक, मेन मार्केट सहित विभिन्न ऐसे स्थान थे जहां पर ऐसे स्थान जो वास्तविक कचरा पात्र के हकदार थे, लेकिन ऐसी ऐसी जगह कचरा पात्र लगे हैं जहां पर वार्ड पंचों को कई प्रकार के सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करते नजर आ रहे हैं। बांगली पूर्व सरपंच निरंजन सिंह ने बताया कि कचरा पात्र आम जन के हितार्थ मंगवाए थे ताकि कचरा डालने वालों को वो कचरा उठाने वालों को दोनों को सहूलियत हो सके। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए जहां पर गांव में गंदगी ना फैले और लोग अपने घरों से कचरा उठाकर सीधा उस कचरा पात्र में ले जाकर डाल सके, इस वजह से हमने कचरा पात्र खरीदे थे। वर्तमान सरपंच तेजाराम दिवासी ने बताया कि पंचायत में कचरा पात्र लाए हुए पड़े थे जिन्हें लगवाने के लिए वार्ड पंच द्वारा सार्वजनिक स्थानों को नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन पंचायत के पास कचरा संग्रहण वाहन नहीं होने पर वार्ड पंचों द्वारा चयनित स्थानों पर लगाए गए हैं एवं उनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित वार्ड पंच ने उठाई। जहां पर जिस वार्ड पंच ने कचरा पात्र लगाया वहां पर वे स्वयं की साफ सफाई करने का भी जिम्मा लिया है। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।